हेलो भैया, मैं श्याम अरोड़ा। आज की वीडियो में हमारे पास है नेक्सॉन ईवी। बहुत लोगों ने कमेंट्स में कह रखा था उन्हें नेक्सॉन ईवी का शूट चाहिए, तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं शूट को ले आया हूँ। अब नेक्सॉन ईवी की बात करते हैं तो इसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलेगा, एक स्टैंडर्ड नेक्सॉन ईवी और नेक्सॉन ईवी मैक्स। पर्टिकुलरली इस वेरिएंट की बात करेंगे तो नेक्सॉन ईवी मैक्स लक्स वेरिएंट है, यानी कि बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है नेक्सॉन ईवी में जो हमें देखने को मिलता है। इसकी ऑन रोड कॉस्टिंग की बात करेंगे, ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से 20,90,000 में हमें कॉस्टिंग देखने को मिलती है। नेक्सॉन ईवी मैक्स लक्स वेरिएंट है ये जो आपके सामने है। इसमें अभी मैं आपको आरटीओ एक्सक्लूसिव बता, क्योंकि ईवी कार्ड्स में आरटीओ लगता ही नहीं है इन दिल्ली। अब ये आरटीओ का जो चार्जेस हैं स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, आप अपनी स्टेट का ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो अब गाड़ी की स्टांस की बात करते हैं, फ्रंट प्रोफाइल में ईवी है ये बिल्कुल एविडेंट हमें यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे फ्रंट प्रोफाइल में आपको ईवी की बैजिंग देखने को मिल जाती है। एंड स्टैंडर्ड नेक्सॉन से आपको कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे ये ब्लू टचेज आपको स्टैंडर्ड नेक्सॉन में देखने को नहीं मिलते, वेयर एज ईवी में आपको देखने को मिलते हैं। और फ्रंट प्रोफाइल में सिमिलर है बस आपको ब्लू टचेज के अलावा। हेडलाइट में आपको लो बीम आपको एलईडी देखने को मिलते हैं, हाई बीम आपको हेलोजन एंड फॉग लैंप भी आपको यहाँ पे हेलोजन देखने को मिलते हैं। और गाड़ी का आप स्टांस बता ही सकते हैं फ्रंट से कितना अमेजिंग आ रहा है। साइड प्रोफाइल में डिफरेंस की बात करते हैं और द नेक्सॉन ईवी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ये डिफरेंस बहुत कम लोगों ने हाईलाइट किया है, पर मैं आपको बता देता हूँ जो नॉर्मल वाली नेक्सॉन आती है उसकी जो पीसीडी है 4 नट होती है, और पर वेयर एज इलेक्ट्रिक नेक्सॉन की 5 नट पीसीडी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 5 नट पीसीडी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। साइड प्रोफाइल में भी ब्लू टचेज ऑल ओवर द कार हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ईवी की मैचिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके साथ साइड प्रोफाइल बिल्कुल सिमिलर है, बस अलॉय व्हील्स के डिजाइन का यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब रियर एंड में बात करेंगे, वहीं जिप्ट्रॉन ईवी की बैजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और बात करेंगे, उसके बाद लास्ट में बात करेंगे जो इसकी बैटरी आती है, रेंज एक्सपेक्टेड क्या है, रियल लाइफ रेंज ये क्या दे रहेगी, एंड इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी टेस्ट ड्राइव करके कि इस गाड़ी का रिस्पॉन्स कैसा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब फर्स्ट चांस में हम कार के अंदर जब आए हैं, यहाँ पे आपको नॉर्मल नेक्सॉन जैसा स्टीयरिंग व्हील डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और इस नेक्सॉन ईवी में क्रूज कंट्रोल भी ऐड कर दिया गया है। अब फ्रंट, अब एमएडी की बात करते हैं तो नॉर्मल नेक्सॉन जैसी है आपको देखने को मिलती है, जैसे टॉप एंड ब्रांड में सेमी डिजिटल देखने को एमएडी देखने को मिलती है, जिसमें आपको रीजन लेवल्स भी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपके कार के रीजनरेशन लेवल कैसे हैं। इस कार में आपको 3 रीजनरेशन लेवल मिलते हैं जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, रीजनरेशन लेवल्स के आपको कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। उसके साथ आपको दिखाता है कि आपकी रेंज एक्सपेक्टेड कितनी है, जो रेंज आपको यहाँ पे दिखाता है, बैटरी परसेंटेज आपको यहाँ पे सारी कुछ आपको क्लियरली दिखाता है। एंड अब इस कार के जो नॉर्मल डैशबोर्ड है वही आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड नेक्सॉन जैसा देखने को मिलेगा, बस ब्लू टचेस इन द इंटीरियर एंड आपको देखने को मिल जाएंगे। अब एक बात तो मैं ईवी की जरूर तारीफ करना चाहूंगा, मैंने इस कार को स्टार्ट करा था, कमेंडेबल जॉब बाय टाटा है कि हल्की सी भी नॉइज नहीं है। इस कार को मैंने पर्सनली ड्राइव करा है, ड्राइव रिव्यू में आपको बताने वाला हूं कि भाई कितनी ज्यादा आपको बढ़िया इस कार की रनिंग आपको देखने को मिलती है। 160 तक की बैजिंग है, हालांकि ईवी मैक्स आपको 140 तक की लिमिट है एंड 120 तक आपकी स्टैंडर्ड वाली ईवी जाती है। अब बहुत लोग इस बात पे कह रहे हैं कि जो स्पीड लिमिट है ये थोड़ी गलत है, पर मेरे हिसाब से ठीक है कि इंडियन हाईवेज 120 मैक्सिमम, 120 तो थोड़ी कम थी, 140 तक डिसेंट स्पीड है। पर हाँ, जब बात लगती है हाईवेज पे, जब आपकी रेस लग जाए तो थोड़ा सा 140 तक स्पीड लिमिट होना, 140 तक तो किसी कार को डेफिनेटली आने नहीं देने वाली है, पर 140 के बाद थोड़ा सा वो आपको लगेगा कि भाई ईवी की वजह से आप नहीं जीत पा रहे हो रेस को। हालांकि 140 से ऊपर मैं आपको ड्राइव करना रिकमेंड भी नहीं करूंगा, सेफ नहीं होता। अब डैशबोर्ड का स्टांस बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे जो अब ये डिफरेंस है, ये जैगुआर लैंड रोवर टाइप का आपको गियर नॉब देखने को मिलता है, देख पा रहे हो जैसे आपको इसमें बैजिंग दे रखी है। तो जैसे कि अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ तो थोड़ा सा मुझे लैगी लगा, एकदम इंस्टेंट नहीं है जैसे मैनुअल होता है। अगर यहाँ एक मैनुअल होता ना मैं ज्यादा उसको अच्छा प्रेफर करता, क्योंकि इससे थोड़ी ना लुक इतनी लग्जरी नहीं आ रही कैबिन में। एक मैनुअल वाला होता है तो ज्यादा अच्छी लुक आती है, जिसमें यहाँ पे लाइट होती है PRSS और लाइट डिपिक्टर, तो वो मुझे ज्यादा बेटर लगता है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग बटन, ऑटो होल्ड मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स ड्राइव मोड। एंड डेफिनेटली जब इसका स्पोर्ट्स मोड ड्राइव करोगे आपको एक अलग सी फील आने वाली है, वो आप लोग आ पा रहे होंगे जिन लोगों ने ईवी ड्राइव करी है, कमेंट्स में बता दोगे। अटेंशन टू डिटेल देख पा रहे होगे, जैसे स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो जाते हैं यहाँ पे भी रेड टोन आ जाते हैं यहाँ पे भी, और जैसे सिटी मोड हो गया यहाँ पे ब्लू आ गई, अगर इको मोड होगा तो यहाँ पे हमें ग्रीन की बैजिंग देखने को मिलेगी। उसके साथ यहाँ पे आपको रीजनरेशन लेवल कंट्रोल करने के आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, रीजन 1-3 लेवल्स तक है, एंड 3 रीजनरेशन लेवल वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है। रीजनरेशन की मदद से आप गाड़ी को, जो आपकी गाड़ी है उसे रिचार्ज कर देंगे। सिटी ड्राइविंग कंडीशन में डेफिनेटली रीजनरेशन आपको देखना पड़ेगा। रीजनरेशन लेवल को जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो रेंज में भी आपको फर्क देखने को मिल रहा है,
तो ये डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। ड्राइव रिव्यू में आपको सारी चीजें क्लियरली दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे आपको चार्जिंग पैड देखने को मिलता है, एंड ये वाला वेंटिलेटेड चार्जिंग पैड है जिससे आपका फोन हीट नहीं होगा, तो ये एक और अच्छी मुझे पर्सनली यहाँ पे मुझे लगा है। अब चलते हैं कार के रियर सीट कैबिन में। सनरूफ आपको स्टैंडर्ड वाली जो आपको नॉर्मल नेक्सन में देखने को मिलती है उसी साइज की देखने को मिलने वाली है, जो इतनी ओपन वाइड नहीं होती। पर हाँ, सनरूफ एक गिमिक फीचर मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है सनरूफ कार्स के अंदर। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। अब चलते हैं कार के रियर सीट स्पेस में, और उसके बाद बूट स्पेस का भी डिस्कस करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे एंड इसकी बैटरी एंड ऑल्स के बारे में। अब कार में रियर स्पेस आ चुके हैं, तो भाई नेक्सॉन में डेफिनेटली मुझे एक बात कहनी पड़ेगी, जो रियर सीट है वो बहुत ज़रा काफ़ी कंफर्टेबल है, कुछ नहीं हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड जो जो ये सीट कवर का डिज़ाइन जो टाटा ने इस कलर कार में यूज़ किया है, थोड़ा सा बेज और जो ग्रेज का उस कलर का मिक्सचर है, तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील दे रहा है। ना ही पूरा बेज है ना ही पूरा ग्रेज है, तो एक बहुत ज़्यादा लग्जरी स्टांस आने को देखने को मिल रहा है। एंड हेडरूम एंड लेगरूम बिल्कुल आपको एम्पल देखने को मिलता है, ये कार सीट बहुत ज़्यादा पीछे एडजस्टेड है। तो अब चलते हैं, तो बूट स्पेस की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड नेक्सॉन में आपको 350 लीटर्स का देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बूट स्पेस में आपको चार्जर भी प्लेस कार का देखने को मिलेगा। अब चार्जिंग में इसमें आपको चार ऑप्शन अवेलेबल है, एसी फास्ट, एसी स्लो एंड डीसी फास्ट, डीसी स्लो। डीसी तो आपको जो आफ्टर मार्केट चार्जर होते हैं जो इंस्टॉल्ड होते हैं वो वाले होते हैं, जो 50 किलो वॉट आवर वाले होते हैं, तो उनमें बात करेंगे तो एक घंटे में 80% तक कार चार्ज हो जाती है, जो आपका फास्ट चार्जर होते हैं 50 किलो वॉट आर वाले। अब बात करते हैं एसी चार्जर जो आप घर पे जिन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं, नॉर्मल प्लग में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें आपको टू वैरायटीज देखने को मिलेगी। पहला जो कार के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा, 3.3 वॉट का आपको चार्जर देखने को मिलेगा, और ये कार को आपको एक घंटे के 8 घंटे के अराउंड लेता है चार्ज करने के लिए। अब दूसरा जो चार्जर है इस कार के साथ एसी चार्जर आपको देखने को मिलेगा, 7.2 किलो वॉट पर आर का आपको देखने को मिलेगा। तो अब वो वाला जो चार्जर है इस कार को 5 घंटे लेगा चार्ज करने में, पर उसके लिए आपको 50,000 एडिशनल पे करने पड़ेंगे। तो बात हुई है कार के अंडर द हुड बात करते हैं, आपके 40 किलो वॉट की आपको बैटरी देखने को मिलती है लिथियम आयन, जो आपको एक्सपेक्टेड रेंज 437 ARI क्लेम्ड आपको रेंज देगी। हालांकि रियल लाइफ टर्म्स में बात करेंगे 300 टू 350 डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। अब ईवी व्हीकल है, अब इसके जैसे जैसे आप इस कार को ओन करेंगे तो आप इसका ड्राइविंग स्टाइल आप अडेप्ट कर पाएंगे, जैसे रीजनरेशन आप कितना कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मोड पर ड्राइव कर रहे हैं, इको मोड पर ड्राइव कर रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड होते हैं ईवी कार के जो फ्यूल इकोनॉमी है उसके ऊपर की रेंज आपको एक्सपेक्टेड कितनी मिलेगी। हालांकि टाटा से तो 473 की हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, पर जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं वो बता रहे हैं एक्सपेक्टेड रेंज आप 350 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप कार को नॉर्मल स्टाइल में ड्राइव कर रहे हैं। तो अब अंडर द हुड देखते हैं, यहाँ पे आपको इसकी मोटर प्लेस देखने को मिलती है। एंड ये जो मोटर है आपको 140 PS की पावर आपको देखने को, BHP की पावर आपको देखने को मिल जाएगी, उसके साथ 250 का न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक कार्स में एक एडवांटेज देखने को मिलती है, जो टॉर्क है वो इनिशियली आपको देखने को मिलता है, इस वजह से इतनी ज्यादा पंची टू ड्राइव होती है, इसी वजह से इन कार्स का पिकअप इतना ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। बहुत लोगों का डाउट होता है कि जो इस कार की जो आपको हेडलाइट्स एंड ऑल है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हॉर्न वॉर्न के लिए आपको यहाँ पे दूसरी सेकेंडरी बैटरी प्लेस देखने को मिल रही है, तो जो आपको मोटर वाली बैटरी है वो अलग प्लेस्ड है, एंड जो आपको और फंक्शनिंग वाली बैटरी है वो यहाँ पे आपको अलग देखने को मिलेगी। तो इन दोनों ये दोनों में डिफरेंस है। तो अब यही था एक छोटा सा वॉक अराउंड नेक्सॉन ईवी, जो आपको वॉक अराउंड ईवी मैक्स का मैंने आपको वॉक अराउंड दिया है। तो आप कमेंट में बताओ आपकी क्या राय है इस गाड़ी के बारे में। पर्सनली मैं आपको कार को मैंने ड्राइव भी करा है, डेफिनेटली वर्थ बाय है, पर ये आपकी एक प्राइमरी कार नहीं हो सकती, एक सेकेंडरी कार जरूर हो सकती है। अगर आपके घर में और कार्स हैं डेफिनेटली आप इस कार को ले सकते हैं, क्योंकि इस कार का रनिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम है। अब रनिंग कॉस्ट पर बात है तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको होम चार्ज करेंगे तो 1 रुपी किलोमीटर के अराउंड आपको रनिंग कॉस्ट देखने को मिलने वाली है। पर वे रहे जब आप एक्सटीरियर फास्ट चार्जर से इस कार को रेगुलरली चार्ज करते रहेंगे, तो उस केस में आपको इसकी रनिंग कॉस्ट आपको 3 रुपीज एट मैक्स, आज की डेट में तो इंडिया में आपको 3 रुपीज आपको। तब लास्ट में बात करते हैं कार का वेटिंग पीरियड आपको कितना देखने को मिलने वाला है। ये मैक्सिमम आपको 6 वीक्स के वेटिंग पीरियड में देखने को मिलने वाली है। अगर आप इस कार को बाय करना चाहते हैं आप चेरी स्टार्टअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन मैंने एड्रेस एंड फोन नंबर भी दिया है, आप वहाँ के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्या पता वहाँ पे आपको ये कार जल्दी में मिल सकता है, क्योंकि उनका नया शोरूम सेटअप है तो वहाँ पे बैकलॉग थोड़ा सा कम है, तो वहाँ पे क्या पता आपको थोड़ा प्रायोरिटी बेस पे कार भी मिल सकती है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है नेक्सॉन ईवी के बारे में। अब इसकी जो भी बारे में आपके राय एक ईवी व्हीकल के बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो फटाफट लाइक कर दो, इसके बाद वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। सबका साथ सबका टाटा बाय। अगर आपको टाटा मोटर की कोई भी कार लेनी है तो आप जरूर चेरी स्टार्टअप पे विजिट कर सकते हैं। थैंक्स टू चेरी स्टार्टअप फॉर प्रोवाइडिंग नेक्सॉन ईवी। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप इन्हें कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं अपनी टाटा कार के बारे में।